दोस्तों, मैं हूं शुभ्रो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आया हूं मैं कर्नाला बर्ड सेंचुरी में, जो कि मुंबई से थोड़ा सा दूर पनवेल में स्थित है। कर्नाला बर्ड सेंचुरी में मानसून के टाइम में ओरिएंटल ड्रॉप किंगफिशर का फोटोग्राफी होता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को झट से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पे। अभी मैं जा रहा हूं जंगल के अंदर। तकरीबन 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि ओरिएंटल ड्रॉप किंगफिशर रेन फॉरेस्ट के डीप जंगल में रहता है। पूरा ओवरनाइट बारिश हुआ है। बारिश के वजह से पूरा रास्ता मड और कीचड़ से भरा हुआ है, और मानसून का टाइम है, स्नेक का भी डर रहता है, दूसरे खतरनाक कीड़े का भी डर रहता है, बीच का डर रहता है। तो इसको बचते बचाते हुए, देखते हुए, केयरफुली मुझे अंदर जाना पड़ेगा। दोस्तों, एट लास्ट मैं पहुंच गया अपने हाइट के पास। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही मेरा हाइट है। यहीं पे बैठ के मैं अभी फोटोग्राफी करूंगा। ODKF का एक्टिविटी सुबह बहुत अच्छा था। सुबह हम लोगों ने ब्लैक बैकग्राउंड के अगेंस्ट में ODKF फोटोग्राफी की। अभी शाम को हम लोग ग्रीन बैकग्राउंड के अगेंस्ट में ODKF फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ भी एक्टिविटी है, लेकिन थोड़ा सा कम है। बहुत बारिश हो रहा है, तो थोड़ा इसी के चलते थोड़ा एक्टिविटी कम है, लेकिन फिर भी आ रहा है। तो अभी तो 2 घंटे कम से कम और करना है, देखते हैं क्या होता है। अभी भी इवनिंग फोटोग्राफी चल रहा है। ODKF एक से बढ़कर एक किल लेके आ रहा है अपने बच्चे के लिए, जिसमें हाई प्रोटीन होता है, चाहे वो लिजर्ड हो, चाहे वो क्रैब हो। और आके सामने पहले पार्च में बैठ रहा है, और यहाँ से फिर चला जा रहा है अपने होम, जहाँ पे वो बच्चे हैं वहाँ के, वहाँ पे और जाके उसको फीड कर रहा है। इट्स अ ब्यूटिफुल सीन। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के। पूरा दिन हम लोग यही शूट कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा रहेगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है। आज सुबह से लेके ओरिएंटल ड्रॉप किंगफिशर का फोटोग्राफी कर रहा हूँ। एक्टिविटी बहुत अच्छा था। तो ये वीडियो जरूर देखना आप लोग एंड तक, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग, मेरा ये फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अच्छा लगे, तो ज़रूर लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए।